नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के एक और बहुत ही दिल दहला देने वाले और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जस्ट इमेजिन, जो कलाकार हमें एंटरटेनमेंट की मदद से भूत प्रेत से रूबरू करवाते हैं, अगर वही कलाकारों के साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जो सीधे सीधे पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई हो, तो आप लोग हैरान होंगे ही ना। बिल्कुल दोस्तों, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताता हूं कि दरअसल जब तक फिल्म्स और सीरियल्स नहीं थे, इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिन्हें भूत प्रेतों के वजूद के बारे में पता था, यानी कि उन्हें नहीं पता था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। लेकिन जब से फिल्मी जगत जागरूक हुआ भारत में या फिर पूरी दुनिया में, उसके बाद से लोगों ने समझना शुरू किए कि भूत प्रेत ऐसे दिखाई देते हैं, वैसे दिखाई देते हैं, उनकी आकृति ऐसी होती है, वो डरावने चेहरे के होते हैं, वो उल्टे पैरों के होते हैं दोस्तों। और सिर्फ पता चला है हमें हमारे कलाकारों की मदद से, और उन कलाकारों में से ही कई कलाकार ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने रियल लाइफ में भूत प्रेतों को एक्सपीरियंस किए हैं। उनके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में भी बता चुका हूं पहले, जिसमें से एक है बिपाशा बासु, वरुण धवन, गोविंदा और ना जाने ऐसे कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने पर्सनली भूत प्रेतों को या पैरानॉर्मल एनर्जीज को एक्सपीरियंस किए हैं। दोस्तों आज की भी ये कहानी जुड़ी हुई है रणवीर सिंह से। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह ने भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस किया है ना, जिसे वो आज भी नहीं भुला सकते और शायद कभी नहीं भुला पाएंगे। दरअसल रणवीर सिंह ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में ये कहा है कि वो किसी भी तरह के भूत प्रेत या फिर पैरानॉर्मल एनर्जी पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, जब रणवीर सिंह एक फिल्म की शूट कर रहे थे जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म के सेट पर ना जाने रणवीर सिंह को क्यों बार बार ऐसा लगता था कि उनका पीछा एक अनदेखी सी शक्ति कर रही है। उन्हें हर समय यह महसूस होता था कि एक शक्ति है जिसे वो देख नहीं सकते, वो इर्द गिर्द उनके हमेशा रहती है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। रणवीर सिंह को कई बार ये एक्सपीरियंस अपने कमरे में भी होता था, कई बार ये एक्सपीरियंस अपने सेट पर शूटिंग करते हुए भी होता था। एक दिन हद तो जब हो गई जब सेट पर कोई नहीं था, रणवीर सिंह शायद प्रैक्टिस के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे थे। वहां पर रणवीर सिंह के बैक साइड में एक ब्लैक कलर की बड़ी सी दीवार थी। रणवीर सिंह अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि अचानक से उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई है। लेकिन जैसे ही रणवीर सिंह पलट कर उस दीवार की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं कि उस काली दीवार में धूल जोर जोर से उड़ रही है, सफेद रंग की धूल, और वो धूल उड़ते उड़ते उस काली दीवार में चिपक जाती है। चिपकने के बाद एक ऐसी आकृति नजर आती है जो देखने में हूबहू पेशवा बाजीराव की थी। रणवीर सिंह हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो जो आकृति दिखाई दे रही थी ना वो दीवार में, उसी तरह की आकृति की मौजूदगी हमेशा फील होती थी। रणवीर सिंह तुरंत अपने मोबाइल से उस आकृति की यानी उस दीवार की फोटो खींचते हैं जहां पर पेशवा बाजीराव जैसी आकृति उभर कर आ गई थी, और तुरंत सेट पर मौजूद सारे क्रू मेंबर्स को बुलाते हैं और वो तस्वीर दिखाते हैं। और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर पाता है कि ये जो आकृति है वो पेशवा बाजीराव की नहीं है। हूबहू आंख, नाक, मुंह और पोशाक भी दोस्तों। रणवीर सिंह बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह की चीजों पर कभी विश्वास था ही नहीं। अब ये जो किस्सा है ना, ये दो तरह के पत्ते सामने खोलता है दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं रणवीर सिंह उस कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस गए थे कि उन्हें हमेशा ये फील होता था कि पेशवा की आत्मा हमेशा उनके इर्द गिर्द रह रही है, या फिर सचमुच में कोई एक ऐसी शक्ति थी जो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अकेले नहीं हो। दोस्तों रणवीर सिंह आज भी जब उस रात को याद करते हैं ना तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उसके बाद से उन्हें विश्वास हो गया कि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति भी है जिसे हम कभी देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी उन्हीं की मंजूरी के बाद। दोस्तों बहुत सारे लोग जिन्हें मैं जानता हूं वो लोग ऐसी एनर्जीज पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो माने या ना माने इनकी सच्चाई को कभी नहीं झुठला सकते। क्या आप लोगों ने भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिस एक्सपीरियंस के बाद वो सबूत आपने किसी को भी दिखाए हो और सामने वाला कभी झुठला ना पाया हो? अगर किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों।
आपको क्या लगता है दोस्तों कि रणवीर सिंह का ये जो एक्सपीरियंस था वो किस कारण से रहा होगा? सिर्फ उनके एक मेंटल स्टेट के कारण कि वो कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस गए थे, या फिर सचमुच में वहां पर कुछ था? दोस्तों हमें इंतजार रहेगा। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस वाली वीडियो मैं आप लोगों के पास रेगुलरली लेके आता रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में और भूत प्रेतों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ऐसे लोगों को भी शेयर कर देना जो ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो माने या ना माने, सच कभी नहीं बदल सकता। मुझे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करके यहीं पर रुकिए। मैं कल फिर एक और खौफनाक वीडियो लेके आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।